नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है, द रिएक्शन रे माता जी। नमस्ते, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मिस्टर इंडियन बेकर के ऊपर। तो बेसिकली भाई, इसका टाइटल रहने वाला हुआ यूए में पाकिस्तान पीएम की बेइज्जती, इंडियन पीएम मोदी का स्वागत, पाकिस्तान क्राइम। मतलब भाई, पाकिस्तान लोगों के रिएक्शन रहने वाले इस वीडियो के अंदर, कि यहाँ पे किस तरीके से यूए के अंदर जो इंडिया के पीएम का यानी कि मोदी जी का जो स्वागत जो हुआ है, मतलब अच्छे लेवल पे देखा जाए तो, जिस तरीके से अभी क्या था, मीटिंग हुई थी वहां पर उनकी, तो उसी के ऊपर दिखाने वाले हैं कि हाँ पाकिस्तान के लोग जो है वो किस तरीके से रो रहे हैं या उनकी मीडिया वीडियो जो है वो रो रही है, तो उसी पर देखने वाले वीडियो। तो भाई वही देखना है भाई, किस तरीके की भाई इनका रोना रोना होने वाला है इस वीडियो के अंदर। तो बिना के जरिए करते अपनी वीडियो। मोदी जी का स्वागत, बिल्कुल भाई साहब, ऐसा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का। इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान है उन्होंने कमीशन मांग लिया। हिंदुइज्म जो है ना, ये दुनिया में फसादात फैला रहा है। लेकिन देखना, ये तो वो बात होगी ना, आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। टाइम पास ही नहीं हो रहा यार, रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, एक बोरी दे देना यार जाते हुए। मिल जाएगा लुटे मरे जा रहे क्या? क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन से पाकिस्तान का क्या लेना देना? ना तो पाकिस्तान में जल है ना ही वायु है। वायु वायु मतलब वायु से मेरा तात्पर्य है गैस, गैस वही गैस जिस पर फिजा खान बार बार स्टूडियो में चाय बना बना कर पीती है। दोनों चीजें नहीं है, बस धुआं ही धुआं है पाकिस्तान। जज्बा इतना ज्यादा है कि कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, और जब चीज ओवरफ्लो होती है तो बाहर निकलने लगती है, तो 9 मई जैसे कांड होते हैं और धुआं ही धुआं हो जाता है। तो दोस्तों, मोदी जी का हुआ वेलकम ऐसा जैसा हमेशा होता आया। सुनिए मोदी जी का स्वागत, बिल्कुल भाई साहब ऐसा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का। कि एक तो वहां पे शेख आ गए दुनिया भर के मोदी जी को रिसीव करने के लिए, उसके अलावा जो वहां पे लोकल थे इंडियन, लोकल इंडियन पहुंच गए भाई वहां पे, मोदी जिंदाबाद और भारत माता की जय और वंदे मातरम ये सब नारे लग रहे हैं। तो मोदी जी जहां जाते हैं मोदी जी का रॉक स्टार वेलकम होता है दोस्तों, रॉक स्टार रिसेप्शन। हाँ, आप थोड़ा देख भी लीजिए। देखिए देखिए, देखा टशन मोदी जी का। अब मोदी जी कहां पे खड़े हैं, देखिए फर्स्ट रो में देख रहे हैं मोदी जी को। ये देखिए, हमने गोला बना दिया, ये हैं आपके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन असली इनाम किसका है, इनाम किसका है? इनाम भारत का नहीं है, इनाम पाकिस्तान का। अब आप ढूंढिए पाकिस्तान का प्रधानमंत्री का कड़गड़ खड़ा हुआ है, जो ढूंढेगा ठीक है उसको मैं बताऊंगा कि गंजे सर पे बाल कैसे उगाते हैं। ढूंढिएगा ढूंढिएगा ढूंढिए ढूंढिए लेंस लेकर ढूंढिए, कितने काकड़ है, काकड़ है कितने, काकड़ है कितने, मतलब कहां कहां है काकड़। फोटो में किसी को कैसे बताते हैं पता तो होगा ही, स्कूल की फोटोज होती है ना, ऊपर से तीसरा, दाएं से चौथा, बाएं से पांचवा। बताइएगा कहां है काकड़। खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है, और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है। तो इसके ऊपर क्या ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं, बाकी तुम्हारा क्या है? पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके। पाकिस्तानियों का क्या काम, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कटोरा फेंक के मारेगा, टन 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 उछलता हुआ। इस खेल में ये बहुत माहिर है, पहले कटोरा रुकेगा, 5 सेकंड इंतजार करेगा, किसी ने कुछ डाला तो ठीक, वरना वरना बाउंस होकर अगले बंदे के पास। QR कोड होता ना तो बड़ा आसान हो जाता यार। अगर कोई भिखारी आता और मैं बोलूंगा छुट्टे नहीं आगे जाता, वो QR कोड निकाल देगा, बोरा नहीं लेकर जाना पड़ता भाई। वो ना जनाब, होना ये चाहिए कि हमारे मुल्क में ना तालीम का जो है ना वो मसला है। हम हाँ एजुकेशन जहाँ की, ये देखें आप इंडिया को हम कहते हैं ना इंडिया ये है वो है, वहाँ पे आप छाबड़ी वाले के बेटे के पास जाएंगे ना तो वो फर फर इंग्लिश बोलता नजर आएगा, और इधर हम हाई स्टैंडर्ड के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो अपने घर का एड्रेस नहीं लिखना जानते।
ये मायार है, और जब मायार ही हमारा तलीमी नहीं होगा तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। बिल गेट यहाँ आया था, उसके नुमाइंदे, उन्होंने देखा पाकिस्तान का सर्वे किया कि यहाँ जो है गूगल की जो है वो यहाँ बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, इन्होंने हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं उन्होंने कमीशन मांग लिया, लिहाजा वो यहाँ से छोड़ के तो इंडिया में जाके बैठ गए। इंडिया सॉरी इंडिया क्या क्या भारत में जाके बैठ गया। इंडिया की अगर बात करें ना, वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, लगता है ये सिर्फ एक रीजन क्या है कि वो मार्केट बड़ी है। आज भी उनके काफी लोग हैं जो सड़कों पे सोते हैं बेचारे, जिनको खाने को पीने को कुछ नहीं है, बड़े बुरे हालात हैं। दिखाने के पे तो जो है वो सोशल मीडिया पे इंसान अच्छा ही दिखाता है अपना, लेकिन वो हम फिर सोशल ये सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं वो दिखा रहे, ये जो उनसे बड़े बड़े जो अदारे हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो उनसे लोग हैं वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें वो ये डाटा शेयर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड बैंक को क्या जरूरत है, वो इतने बेचारे सड़कों पे सोते हैं उनको क्यों नहीं वो डाटा शेयर करते। शेख साहब जलवायु परिवर्तन को तो छोड़ो, जाते हुए यार एक बोरी बांध देना है, टाइम पास नहीं हो रहा यार, रोटी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, एक बोरी दे देना यार जाते हुए। मिल जाएगा लुखे मरे जा रहे क्या, फोटो तो खिंचा ले बेइज्जती कर रखते हो हमारे लिए, फिर कितने बुलाते नहीं। मैं आपको एक चीज का क्लियर कर दूं कि हिंदुइज्म जो है ना ये दुनिया में फसादात फैला रहा है, लेकिन उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके जो हुक्मरान हैं या उनके जो लीडर्स हैं वो उनकी बेस पे है। इंजीनियर्स देख लें, सिविल देख लें, जो भी इदारा देखें वो हमसे बहुत आगे हैं, इसलिए वो दुनिया में अपना वो पैसे के बलबोते पर अपनी तारीफ करवा रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस्लाम को अपनाना चाहिए, कम से कम हम मुसलमान होते हुए हम इस्लाम को अपनाएं। लेकिन आपने जो हिंदुइज्म के बारे में बात की ऑन द कैमरा लेकर, हमें थोड़ा सा किसी भी रिलीजन के बारे में बुरा कहने से पहले 100 दफा सोचना चाहिए ऑन द कैमरा। हम अगर ये कहेंगे कि भाई हिंदू अच्छे नहीं, हिंदू बुरे हैं या ईसाई अच्छे नहीं वो बुरे हैं, तो इससे हमारा बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी को बुरा कहेंगे कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, आप पढ़े लिखे लोग बिल्कुल मतलब इकट्ठे हुए हैं। हिंदुइज्म बुरा नहीं है, मैं ये बात क्लियर कर दूं। हिंदुइज्म जो है ना सादात फैला रहा है, हिंदुइज्म बुरा नहीं है, सादात फैला रहा है, हिंदुइज्म बुरा नहीं है। हिपोक्रेसी उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फर्क होगा? हम मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं ना, क्यों? इवन के श्रीलंका भी दे रहा हूँ ना, हालांकि वो खुद बैंकक्रप्ट हो चुका है, पाकिस्तान जाएगा उसके पास। ये लोगों से भीख मांगता रहेगा। देखे भाई जान, ये जो भीख मांगने वाले होते हैं ना, इनकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। देखिए इंडिया की अगर बात करें, इंडिया ने अपने उस टाइम को यूटिलाइज किया, ठीक है, जब ऑल कंट्री बैकफुट में जा रही थी, इंडिया ने वह भी अपने आप को डेवलपमेंट करने की कोशिश की, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पकड़े, उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट पर काम किया, उसने एक अपने आप को ग्रो किया है, ठीक है। अब आप देखें कि हर चीज जो है भारत की, कि जी फिल्म भारत की है, ये भारत का है, वो भारत का, यहाँ तक कि भारत ने अपनी फिल्मों के जरिए कल्चर भी हम पे मुसल्लत कर दिया है, दुनिया में उन्होंने अपने कल्चर को प्रमोट कर दिया है, वो हम सब उसको मानते हैं, लेकिन जब हॉकी या क्रिकेट की बात आ जाती है तो हम कहते नहीं जी ऐसे ऐसी है। अभी क्रिकेट में इस टाइम दुनिया में नंबर वन जो ODI टीम है वो इंडिया की। क्वेश्चन करती हूँ, इंडिया के बारे में पता? हाँ पता है। कैसा मुल्क है? हमने पढ़ाया क्या है? अच्छा उनको नासा का पता होगा, नासा का पता है। अच्छा नासा के बारे में क्या जानते हो? ये एक स्पेसक्राफ्ट कंपनी है, ये रॉकेट स्पेस में भेजती है, प्लैनेट्स डिस्कवर करती है। अच्छा पाकिस्तान की पता है कौन सी है स्पेस? नहीं मुझे पाकिस्तान माइनॉरिटीज के लिए सेफ नहीं है, पिछले साल हमने एक श्रीलंकन शहरी मारा था। मुसलमानों के साथ रहेंगे तो हमारा फायदा है, मतलब गैर मुसलमानों के साथ तो नहीं करना, ताल्लुकात भी नहीं बनाने, ट्रेडिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ये हमें बायकॉट करना चाहिए हम सबको। अच्छा किसी शहर में इतनी तो सब्जी मंडियां नहीं होती जितनी हीरा मंडी है तुम्हारे गली गली में। हाँ इस्लाम हमेशा गालब आया कुफर पे और इस्लाम हमेशा गालब रहेगा, ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। जब लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले आता है टेररिज्म, जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके ज़हन में आती है डेवलपमेंट। इंडिया बेसिकली वो कंट्री है जो कि साउथ एशिया के रीजन में चाइना को काउंटर कर सकता है। कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि वहाँ की उनकी मार्केट में भी जाकर उन्हीं को ग्रैब करना, कि भाई उनके प्रोडक्ट्स जो उनको मिल रही है उससे अच्छी क्वालिटी देना। मैंने ये भी तकरीबन ये भी सुना कि चाइना के अंदर कोरोना के बाद चाइना ने अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा के इंडिया से इम्पोर्ट कर रहा है, वो क्या कहेंगे इस बारे में?
ब्रिटानिया के बिस्कुट की याद आते तुम्हारे नाम से टिंग टिंग टिंग। देखे ना, ये तो वो बात होगी ना, आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। वो तो इस तरह कर रहे हैं उनके साथ। अभी तो ऊपर ऊपर से मार रहे हैं भाईजान। पाकिस्तान चाइना ना नंबर वन नंबर टू पे रहता है। जैसे विराट कोहली कभी आगे, कभी रोहित शर्मा आगे, कभी विराट कोहली, वो सिलसिला है ना, वैसे ही रहता चाइना का। आएगा नंबर चाइना का भी। मजाक छोड़िए, सुना सुना आपने, चाइना भाई इंडिया का माल बेच रहा है। अब सरेआम तो बेच नहीं सकता, शर्म आ रही है, पर बेच रहा है, क्या करें, पापी पेट का सवाल है ना। इंडिया की क्या है जो अपना इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो लेके चल रहे हैं, अपना विजन लेके चल रहे हैं, उनका यही है कि हमने जो है वो गुर्बत खत्म करनी है। टाइम लगना है, जाहिर सी बात है। पाकिस्तान को भी सीखना चाहिए कि प्रैक्टिकल होकर सोचें, तो क्या हमें भी नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मिलना चाहिए हमारे मुल्क को? पीएम मोदी जैसा पीएम तो भाई हमें बड़ी मुश्किल से मिला, हमें बड़ी मुश्किल से मिला। हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ भी बहुत सारे लोगों को कदर नहीं है, लेकिन होनी चाहिए भाई, उस पर मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। जनतंत्र है भाई, अलग अलग चॉइस है, मेरी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन बात सच्ची यही है भाई कि पीएम मोदी जैसा पीएम सबको नहीं मिलता, पप्पू प्यारे, पाकिस्तानी पप्पू प्यारे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। खबरें आज आज निकल कर आएंगी, खबरें, बड़ी बड़ी खबरें आएंगी, तो कल उस पर देखेंगे रिएक्शन और थोड़ा तड़का भी लगाएंगे। अभी के लिए बस यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल भाई, चल चल, जय हिंद जय भारत। दोस्त नहीं दोस्त, मतलब क्या हालत हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के लोग खुद कह रहे हैं कि वाकई में ही भिखारी वो खुद है। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आया देखा, हमें भी पसंद नहीं है कि हम उनको गलत चीज बोले, लेकिन भाई वहां की जनता भी ये चीज मानती है, क्योंकि इन्होंने कभी डेवलपमेंट में कभी ध्यान दिया नहीं, कभी भी हमेशा ध्यान सिर्फ इस चीज दे रखा है कि रिलीजन कैसे चलेगा, चलो इस्लाम को फॉलो करना है। यार इस्लाम को फॉलो करना अच्छी बात है, इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। धर्म धर्म होता है, मजहब जो होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। तुम्हारी फेथ होती है भाई, उसी से तुम जीने का रास्ता होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काम धंधा छोड़ के उसी को ही फॉलो करते रहोगे और दूसरों से कहते हैं नफरत करोगे। ये सबसे सबसे बेकार चीज है। बच्चों को भी सिखाते हैं कि दूसरी मने मतलब बच्चे को ये नहीं सिखा रखा कि हाँ भाई इनके देश की जो है क्या सुपार को नाम है करके कुछ उनका नाम है वो नहीं बता रखा, लेकिन बाहर अमेरिका का बता रखा नासा है। बताओ हद पार है, मतलब कुछ भी चीज है, बच्चों को ये चीज सिखा रखे है और चूट के बोल रहा है कि हाँ भाई नहीं इंडिया का हमारा दुश्मन है। हद बाप, यही चीज सोचने वाली होती है कि यार किस तरह की लोग मेंटेलिटी रखते हैं अपने उस चीज के अंदर, जहन के अंदर। और वो एक वो बंदा बता रहा है कि हिंदू तो बेगैरत है, ये करके वो है फसाद, क्या फसाद मचाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब उनसे समझाया अंकर ने कि भाई ऐसे करके तुम बोलोगे तो ऐसे निकल गए, फिर पूरा कहता नहीं नहीं हिंदुइज्म तो कोई खराब रिलीजन नहीं है, मतलब वही चीज है ना, अपने मन में रख के चलती नहीं। अब ये चीज देखो, अब ये चीज ये लोग बोल देते हैं यार, इनके कंट्री में भी हिंदू हिंदू रहते होंगे, सिख रहते होंगे, वो लोग क्या सोचते होंगे कि चले इस अपने 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 को बोलते हैं, हमारे बारे में कुछ बात ही नहीं करते, हमारे को ऊपर बात करते हो तो हमारे को कुछ मानते नहीं है, वगैरह तो मानते हैं हमारे को। तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, इंडिया में कोई ऐसी बात नहीं बोलता न्यूज चैनल पे आकर के, वो अगर बोलेगा तो हिंदू खुद ही पकड़ के करते तेल देंगे पकड़ के। और कि हमारे देश में मुसलमान इतना रहते हैं, और क्या, अगर हम उनको बोलेंगे तो हमारे देश में जो मुसलमान है उनको गलत लगेगा ना। पाकिस्तानियों को एक चीज देखो, ये सीखना, कोई बंदा किसी सीखता है ना तो उससे कम नहीं जाता बंदा। तो भाई पाकिस्तान को एक चीज सीखनी चाहिए कि यहाँ पे इंडिया में किस तरीके से एकता है, किस तरीके से हम देश को लेके चलते हैं भाई, एक विजन है वाक्य में। पीएम मोदी इन्होंने जो बोला कि हाँ भाई पीएम मोदी ऐसा वाकई में मिलने बहुत मुश्किल है, हमारे देश के लोगों को तो अभी कदर है नहीं। जैसे कि एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कदर नहीं थी, उस टाइम पे खूब बोलते थे कि क्या कर दिया। अब देखो कैसे करते हैं, अच्छे अच्छे कांग्रेस भी इनकी तारीफ करते हैं, अच्छे से हर पॉलिटिक्स बीजेपी के जितने भी रहे हैं सबके सब उनकी तारीफ करते हैं। तो लेकिन अभी मोदी जी को कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम जब आएगा कि जब ऐसा नहीं करनी होगा तब उनको भी याद करेंगे, ये बात हम ये हमसे लिख के ले लो, ये चीज उनको भी याद करा जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। जो बता रहे हैं ना कि हमारे जाके मतलब प्रधानमंत्री हैं जो भी है सब जगह जाके मतलब फसाद फैलाते हैं, तो ये गलत है। फसाद फैलाते नहीं है, हर जगह जाके वो भाईचारे के हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं सब, वैसुदेव कुटुंबकम हर जगह बोलते हैं, कभी भी मतलब किसी के बुराई नहीं करते हमारे प्रधानमंत्री। सही बात, या हमारे देश के कोई भी हो पब्लिक भी कभी किसी की बुराई नहीं करते, इसलिए कि बुरे काम के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अच्छे ही सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं। और ये रही बात जो मतलब वो क्या कहते हैं, बच्चे को भी सिखाते हैं कि यहाँ दुश्मनी मतलब दुश्मन है इंडिया हमारे, यहाँ तो बच्चों को ऐसे नहीं सिखाते। सही बात है, अच्छी बातें सिखाते हैं कि हर किसी से मिलके रहना चाहिए, भाईचारा बनाना चाहिए, तुम्हारा नाम हो, तुमको ऐसे मतलब जगह जगह भीख भी क्या बोले, एज अ लोन अगर तुम्हें ना
ना लेना पड़े, इतना ज्यादा कर्ज में ना डूबो, तो उसका यही करना पड़ेगा कि हर किसी को साथ लेके चलना पड़ेगा। तुम ये सोचोगे कि नहीं उसको मुसलमान कर देंगे, उसको हम ये कर देंगे, उसको उसको रहने देंगे, वो कर देंगे, तो इससे देश नहीं चलेगा भाई, इससे और ज्यादा तुम गहराई डूबते चले जाओगे, लोग बढ़ते चले जाएंगे। क्रिश्चियंस इतना आगे क्यों है, अमेरिका इतनी कंट्री आगे क्यों है, वो डेमोक्रेसी रखती है भाई, उनके देश में हर कोई अलाउड है, भले ही कहीं ना कहीं रेसिज्म रहता है उनके अंदर, लेकिन जब एज अ पब्लिक उसमें जब वो आते हैं तो इतना सोचते नहीं है वो लोग। तो देखें वीडियो अच्छी लगी देने में तो आए, वैसे वीडियो अच्छी लगी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो ऐसे उतना ही। जय श्री राम।